जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल khanstudy.com पे। आज के इस वीडियोस में हम मैथ डिस्कस कर रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। अगर आपने पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही निवेदन है, बस आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहली बार YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कोई सुझाव है आपके लिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है, ए रेशियो बी 3:4 में है तथा बी रेशियो सी 8:9 में है, तो ए रेशियो सी क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, आपके ये ऑप्शन दिए हैं, आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से हु बहु ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले हम बनाने का तरीका देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ए और बी है, बी और सी है, उसके बाद ए सी आपसे पूछ लिया है, आपको बैलेंस करना होगा। देखिए, ए बी और क्या है, सी है, यानी ए बी सी को यदि हम बैलेंस कर लेंगे ना, उसके बाद वो कुछ भी पूछेगा तो उसका हम जवाब दे सकते हैं। ए और बी आपका क्या है, 3:4 है, और बी और सी क्या है, 8:9 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको गुना करते हैं, जैसे कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है ना। तो 3 8 कितना हो जाएगा बताइए, 24, 8 4 32 और यहाँ पे क्या था, 9 था, तो 4 9 36, 24 32 36, ये आपका रेशियो निकल के रहा है। लेकिन रेशियो क्या होता है ना, रेशियो को हमेशा हम लोग शॉर्ट करके लिखते हैं, यानी जितना छोटा आप कर सकते हैं काट करके, वही एक्चुअल रेशियो होगा, ये रेशियो नहीं होगा। तो इसको आप छोटा कीजिए, ठीक है। छोटा कैसे होगा, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, 2 से कटा के देखते हैं, 2 से 12 बार में, 2 से 16 बार में और 2 से 18 बार में। देखिए, फिर कट रहा है, फिर कटाइए आप, 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में। अब देखिए, अब नहीं कटेगा, 6 8 9 पे जाकर रुक जाएगा, यानी यही आपका एक्चुअल रेशियो निकल कर आया ए बी और सी का। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए और सी का बताइए। तो ए और सी, ए में क्या है बताइए, ए में 6 है, सी में क्या है, सी में 9 है। अब देखिए, 6 और 9, लेकिन हम देखेंगे इसको कि क्या ये और कट सकता है, अगर ये और कटेगा तो वही उसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं ये 3 का टेबल से कट रहा है, 3 2 6 3 3 9, अब नहीं कटेगा, इसीलिए ए रेशियो सी का जो आंसर आ जाएगा 2:3 आएगा। आप देख लीजिए, आपके ऑप्शन कौन है, 2:3 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसके अब आगे का सवाल देखते हैं, इसमें क्या करना है। देखिए, 3 = 5b है तथा 2b = 3c है, और आपको वैल्यू बताना है ac का, ये किस प्रकार से बनेगा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, 3a = 5b, आपको a और b का रेशियो निकालना है ना, तो a वाला वैल्यू जो होता है ये इस तरफ वाला होता है, तो इसको 5 मान लीजिए। अब b का वैल्यू क्या हो गया, 3, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ देखिए, 2b = क्या है, 3c है, तो b और c का यहाँ से रेशियो निकलेगा, तो b कितना निकल जाएगा, 3, और c कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर b 3 है, यहाँ पर भी b 3 है, a 5 है, ac 5, c 2 है, यानी ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं a b और c, a का मान कितना हो गया 5, b का मान कितना है 3, और c का मान कितना है 2, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। आपसे पूछा क्या है, a और c का वैल्यू पूछा है ना, तो a और c का जो अनुपात क्या हो जाएगा, 5:2, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, थैंक यू।